दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा इस वक्त पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और उनके नरसंहार को इस फिल्म में दिखाया गया है। पहले भी कश्मीरी पंडितों के बारे में चर्चा होती रही है, लेकिन यह पहली बार है कि इस पृष्ठभूमि में कोई इतनी अच्छी फिल्म बनी है और उस पर इतनी अच्छी चर्चा हो रही है। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और उनके ऊपर बर्बरता की ऐसी कहानी दिखाई गई जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिल्म में एक कहानी गिरजा टिक्कू की है। 2019 में अमेरिका में कश्मीरी मूल की लेखिका सुनंदा वशिष्ठ ने भी गिरजा टिक्कू का जिक्र किया था। गिरजा कुमारी टिक्कू की कहानी सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 11 जून 1990 का वो दिन था जब गिरजा कुमारी टिक्कू सैलरी लेने के लिए स्कूल गई थी। वह स्कूल में लैब असिस्टेंट का काम करती थी। स्कूल बांदीपोरा जिले में था और सैलरी लेने के लिए वह उसी दिन उसी गांव में जहां स्कूल था अपने एक सहकर्मी के घर मिलने चली गई। इस बीच उन पर आतंकियों की नजर थी और वहीं जैसे ही वो अपनी सहेली के घर गई, उनका अपहरण हो गया। गांव वालों को यह बात पता चली, लेकिन आतंकवादियों के डर से कोई आगे नहीं आया। और आगे जो गिरजा कुमारी के साथ हुआ यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आतंकवादियों ने न केवल उनका अपहरण किया बल्कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। दरिंदों का मन जब इससे भी नहीं भरा तो उनको जिंदा आरा मशीन के बीच रखकर काट दिया। आतंकी इससे हिंदुओं के मन में डर बैठाना चाहते थे। वो उनको कश्मीर से भगाना चाहते थे या फिर उनको कन्वर्ट करना चाहते थे। गिरजा टिक्कू अपने पीछे अपनी माँ, पति और दो छोटे बच्चों को छोड़कर गई। एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने इस दर्द को बयां किया है। गिरजा टिक्कू का परिवार अमेरिका में है। कई वर्षों से इस बारे में किसी ने बात नहीं की, लेकिन फिल्म देखकर गिरजा टिक्कू का पूरा परिवार खूब रोया। इस फिल्म को देखने के बाद गिरजा देवी की भतीजी ने एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि उनका परिवार अमेरिका में है और आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। इस फिल्म के आने के बाद अमेरिका में कश्मीरी मूल की लेखिका सुनंदा वशिष्ठ का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने आप को कश्मीरी पंडित बताती है और कहती है कि धारा 370 समाप्त होने का मैं समर्थन करती हूँ। मेरे माता पिता कश्मीरी पंडित हैं, मैं हिंदू कश्मीरी पंडित हूँ। हम कश्मीर के उस पीड़ित समुदाय से आते हैं जिन्हें इस्लामिक कट्टरपंथ के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिंदू महिलाओं का गैंगरेप किया गया और उनके शव के टुकड़े करके फेंक दिए गए। खून से लथपथ, हिंसा से आक्रामक आक्रांता हम मजबूर और डरे हुए लोग थे जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। सुनंदा ने उस दौर की भयानक हिंसा को याद करते हुए कहा कि हमारे घर जल गए, बागों में आग लगाई गई, धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया। आतंकियों ने गिरजा टिक्कू जैसी महिलाओं का गैंगरेप किया, उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेकिन एक सत्य ये भी है कि बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।